भ्रष्टाचार में लिप्त व्यवस्था में आवाम की आर्थिक से लेकर सामाजिक सुरक्षा को खतरा पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासनिक हिला हवालिया सुनवाई ना करने के बदले लोकतांत्रिक सिस्टम में जिसकी लाठी उसकी भैंस कहावत चरितार्थ हो गई है। लोगों के बीच प्रशासन जानबूझकर प्रधानमंत्री मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि बिगाड़ने की मुहिम में लगे नजर आ रहे हैं। आमजन की सुनवाई तो दूर, मामला हाईलाइट होने पर मीडियाकर्मी तक के फोन पर, जिम्मेदारों के फोन उठ जाए तो आप किस्मत होने वाला हाल जो है वो नजर आ रहा है। जिसकी पुष्टि एक बार फिर से पारिवारिक जमीन विवाद में सामने आई है, जिसमें थाना सतरिक के ग्राम धौसाबाद मजरे सहेलिया निवासी सत्यनाम सिंह पुत्र राम खेलावन की भूमि गाटा संख्या 1329, 1330, 1362 व 1363 में पीड़ित की पट्टेदार का भी हिस्सा शामिल है, जिसमें नियमतः बिना बंटवारे निर्माण कार्य अवैध है। वैसे भी एबीआरओ एक्ट 1987 अंतर्गत बिना नक्शा स्वीकृति के निर्माण ऐसे भी नहीं हो सकता, जिसमें अगर अन्य साझेदार भी है तो कैसे और किसने स्वीकृति दी, ये बड़ा सवाल कहीं ना कहीं उठ रहा है। जो भ्रष्टाचार की बहरे गंगा में जिसकी लाठी उसकी भैंस की तर्ज हो कर रही है, वैसे मामले में पूर्व में हाईकोर्ट के निर्देश पर एसडीएम कोर्ट पर बंटवारे का वाद विजयपाल रामलखन सुनील कुमार व हरि नाम द्वारा बंटवारे को लेकर बंटवारा धारा 116 राजस्व 2096 अंतर्गत सत्यनाम सिंह आदि बनाम राम शंकर आदि कंप्यूटरकृति वाद विचारधीन है और बावजूद इसके मिली भगत कर अवैध रूप से पक्का निर्माण कर रहे हैं। जिसमें पीड़ित की माने तो विपक्षियों से सुविधा शुल्क मिलने के बाद पुलिस के से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों तक के हाव भाव बदले हुए नजर आ रहे हैं। धौसैया मजरे सहेरिया के मामले में एसडीएम सदर एसपी रामपल्ली जगत साईं के मोबाइल पर कई बार फोन कर संपर्क किया गया, लेकिन ना तो फोन उठा और ना ही पलट कर जिम्मेदार अधिकारियों ने जिम्मेदारी देखते हुए जानने की प्रयास किया कि मामला आखिर क्या है। कुल मिलाकर जनता के पैसों पर मोटी मोटी तनख्वाह डकार रहे जिम्मेदारों की कोई हरकत लोकतांत्रिक देश में जिम्मेदार नौकरशाह होने का भाव प्रकट करने में असमर्थ साबित हो रहे हैं। जिसमें जहां जर जोर जमीन संबंधित वादे की संख्या में तीन दुगनी रात चौगनी वृद्धि हो रही है, तो वहीं आवाम का विश्वास भी सरकार से लेकर व्यवस्थाओं पर समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे साक्ष में आए मामले में पीड़ित की समझ में नहीं आ रहा कि सीमित संस्थानों में वे अपनी पैतृक संपत्ति की सुरक्षा कैसे करें। क्या नाम है आपका? विजयपाल। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम गौसाबाद मजरे सहेलिया थाना सतरिक। आज आपने जिलाधिकारी के यहाँ शिकायत की है, तो किस संबंध में की है, क्या मामला? जिलाधिकारी के शिकायत हमने किया, हमारे सहयोग के घाटे की जमीन है 1/3 की, हम लोग हिस्सा आ रहे हैं उसमें, ये लोग आधे से ज़्यादा कब्जा कर लिए हैं और फिर बिल्डिंग बना रहे हैं, स्लेप लगने की कगार पे है। अब हमारी कहीं सुनी नहीं जाते, थाना सतरिक गए वो भी जो है गए वहाँ कहा कार्य नहीं बंद होगा, आप चाहे जहाँ जाओ आप जो है स्टे लेके आइए। इस विषय में आपका कोई मुकदमा भी चल रहा है क्या? जी, न्यायालय में मुकदमा चल रहा है अतिरिक्त मजिस्ट्रेट के यहाँ। ये बात आपने ऐसो को बताई? जी। उसके बाद भी नहीं रुकवाया काम? नहीं, कार्य नहीं रुका है और वहाँ सिविल में भी चल रहा है मुकदमा। आज जब आपने एप्लीकेशन दी तब क्या हुआ, वहाँ अधिकारी क्या बोले आपसे? अधिकारी बोले कि तुम एप्लीकेशन लिए नाश्ते रह जाना, बाकी तुम्हारा कोई कार्य नहीं होगा। ये किसने कहा आपसे? ये कहा नायब साहब ने। विपक्षी कौन है आपके जिनके खिलाफ एप्लीकेशन दी है? सतीश कुमार, रमेश कुमार, सतीश आद। ये कौन लोग हैं, क्या करते हैं? ये खनन माफिया हैं, मिट्टी का काम करते हैं और थाने की मिली भगत से हम लोग कहीं नहीं सुने जाते। ये जो बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है, इस संबंध में आपने इससे पूर्व में कब शिकायत की थी? 15 दिनों से लगभग लगातार चल रहे हैं। 15 दिन हम मुख्यमंत्री को आजारिश भी किए, जिलाधिकारी को दिए, कहीं हमारी सुनी नहीं गई। 15 दिन कार्य चलता रहा और आज 2 दिन की छुट्टी में ये लोग फ़ायदा उठा करके स्लेप ढाल लेना चाह रहे हैं। सब मटेरियल गिरा हुआ है, सरिया बंद गई है। इस संबंध में आज थाना दिवस था जिसपे आप जो है तहसील दिवस में हमने आज दिया, तहसीलदार ने कहा जाइए तुम चक्कर काटते रह जाओगे, तुम्हारा कार्य नहीं होगा।